हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाऊंगी साबूदाने की खीर। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने को 5 से 6 पानियों से अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको हमें जब तक वॉश करना है जब तक पानी बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी और साबूदाने को मैंने भिगो कर रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने उबला हुआ दूध लिया है, इसमें मैं साबूदाने को डाल दूँगी। तो यहाँ पे खीर अच्छे से पक गई है और दूध भी पक गया है। अब इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी चीनी, और चीनी डालकर मैं इसको लो फ्लेम पे अच्छे से पकाऊँगी और इसको मैं साथ साथ चलाती भी रहूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ बादाम, इनको मैंने छील कर डाला है। तो मैं इसको लो फ्लेम पर तब तक पकाऊंगी जब तक दूध अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। तो इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, इससे खीर का जो टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाएगा और खीर में खुशबू भी अच्छी आएगी। इसको मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको थोड़ा और पकाऊँगी।